चक्कर ये है कि जो ये लोग चाहते थे कुमुद को ख़त्म करना, क्योंकि नहीं तो कुमुद आके पूरी पोल खोल देती इनके धंधे, इनके बिजनेस की, तो इसकी वजह से बहुत खुश हैं कि वो चैप्टर क्लोज हो गया है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन रणविजय एक ही तरीके से उसको आते कर रहे हैं, वो है दारू पी के, तो शराब पी रहे हैं और अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहे हैं, नचा रहे हैं उसको। लेकिन फिर आगे आगे आपने देखा जो हो रहा है, तो पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में सूरज है कि ये फिर से खुद को बोलता है कि यार मेरी बीवी सच कहती है कि तू शराब इतनी पीते हो कि तुम्हें कुछ भी नज़र आने लग जाता है। तो लेकिन फिर उसको व्हेन ही वो जब सामने आता है और उसकी बॉटल छीनता है तो नेचुरली फिर पता चल जाता है कि वो एक्चुअली है यहाँ। हाँ, वो ये है कि वो अभी वो रिवेंज ले रहा है जो जो मैंने उसके ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर मैंने अत्याचार किए हैं। जैसे पहले शुरू में आपने देखा होगा कि अपनी माँ और बहनों को चलवाता था कांच के ऊपर, ये मिर्चियाँ खिलवाता था, काफ़ी कुछ इसने एज अ काफ़ी टॉर्चर की है। तो नाउ इट्स कमिंग बैक टू हिम, वो कहते हैं ना कर्मा वापस घूम के आता है, तो वही हो रहा है कि उसी के ऊपर अभी वो कांच के ऊपर चल के जा रहा है। ख़तरनाक तो भैया रणविजय और इमली भी कुछ कम नहीं है, तो वो भी अपनी चाल चलेंगे और ये कैट एंड माउस गेम चलता रहेगा। आप सबके लिए यही मैसेज है कि उड़ान देखते रहिए, देखते रहिए, हम और इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपका प्यार, आपका आपका जो ये इतना इतने गुड विशेज़ हैं, हमें हर हफ्ते आते रहते हैं हमारी रेटिंग्स के ज़रिए, तो थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड कीप वॉचिंग उड़ान। आपकी बात सही है, लेकिन इसका मैं ये मानता हूँ कि जो एक जब आप ड्रंक सीन्स करते हैं, जब शराब वाले, दो तरीके होते हैं, एक तो आप एक्चुअली पी लें और एक है कि आप उसकी एक्टिंग करें। तो शुरू शुरू में जब मैं करता था ड्रंक सीन्स, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब अपने करियर मैंने शुरू किया, तो एक दो बार मैंने ट्राई किया था कि एक्चुअल पी के करूँ वो सीन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि आप पी तो लेते हैं, वो आपका सुरूर वगैरह सब परफेक्ट आता है, लेकिन आप डायलॉग भूल जाते हैं, तो जो बोलना होता है वो याद नहीं रहे, तो फिर तो सीन का मतलब ही नहीं है। सो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई इन माई रेगुलर लाइफ ऑल्सो आई एम अ ड्रिंकर, आई एन्जॉय विस्की और टू। सो मैं अभी क्या करता हूँ, बीइंग एन एक्टर, व्हेन आई एम इन दैट स्टेट, व्हेन आई एम इन अ इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, उस फीलिंग को, उस अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं कैसा, मेरा हाथ कैसा जा रहा है, मेरा आंखें कितनी खुल रही हैं या बंद हो रही हैं, कितनी मूवमेंट में कर रहा हूँ, कितना झूल रहा हूँ, कितना, तो वो सब एज एन एक्टर जब मैं एक्चुअली पीता हूँ, नॉट शूटिंग के दौरान लेकिन शूटिंग के बाद, तो उसको मैं अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करता हूँ और वो सीख के फिर यूज़ करता हूँ।